अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF के गठन का ऐलान किया है। इसमें 13 देश शामिल होंगे, भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक इसका मकसद है व्यापार की सहूलियत, सप्लाई चेन की मजबूती, कार्बन उत्सर्जन में कटौती, क्लीन एनर्जी से जुड़े कारोबार के साझा लक्ष्य हासिल करना। माना जा रहा है कि अमेरिका इसके जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल साल 2017 में अमेरिका ने खुद को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी TPP से अलग कर लिया था। इसके बाद इस इलाके में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन के असर के खिलाफ अमेरिका को मजबूत आर्थिक और कारोबारी नीतियों की जरूरत है। चीन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP का भी सदस्य है, जबकि भारत और अमेरिका दोनों इसके सदस्य नहीं है। भारत ने खुद को इस ट्रेड ब्लॉक से अलग कर लिया था। IPEF में 13 देश शामिल हैं, भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। और इन 13 देशों में से हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। जापान के निक्के एशिया के पत्रकार केंतारो ल्वांगटो के मुताबिक इन 13 देशों में से 11 RCEP के सदस्य हैं, जबकि इन 13 देशों की वर्ल्ड GDP में 40% की हिस्सेदारी है। बात करते हैं कि IPEF में क्या क्या होगा। IPEF में पारंपरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से अलग रास्ता अपनाया जाएगा। IPEF के जरिए अमेरिका पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ नए सिरे से कारोबारी समझौते करना चाहता है। अब सवाल यह है कि IPEF में शामिल होने से भारत को कितना फायदा होगा। अमेरिका ने भारत को भी IPEF में शामिल किया है। भारत ने भी भले ही इसका समर्थन किया है, लेकिन आगे चलकर अमेरिकी कारोबारी मानकों से इसका टकराव हो सकता है। भारत के IPEF में शामिल होने से पहले भारतीय सलाहकार इसे लेकर आशंका जता चुके हैं। विश्लेषकों के मुताबिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सभी देशों को इससे एक जैसा फायदा नहीं होगा। इसमें कारोबार को लेकर ऐसे नियम होंगे जिससे मानना तो जरूरी होगा, लेकिन इससे मार्केट एक्सेस को लेकर गारंटी नहीं होगी। जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने इसका स्वागत किया है, लेकिन दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर ने बहुत खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। CNBC के मुताबिक ना तो ये किसी तरह का मुक्त व्यापार समझौता है, ना ही कोई सुरक्षा समझौता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका किसी तरह का मुक्त व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन एशिया क्षेत्र में अपनी आर्थिक भूमिका बढ़ाना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के प्रवीण डे ने कुछ दिन पहले आए एक पेपर डेसिफरिंग द IPEF में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि IPEF में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो भारत के अनुकूल नहीं लगते। मसलन IPEF में डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई है, लेकिन इसके फॉर्मूले में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका भारत सरकार की नीतियों से सीधा टकराव है। डेटा लोकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर सरकार का अमेरिकी कंपनियों से लगातार टकराव होता रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिका के नेतृत्व में बन रहा IPEF चीन को रोकने में कितना कामयाब होगा और भारत इससे कितना फायदा उठा पाएगा।